अब प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हम। और क्या बोला, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे कि कॉट थीटा बराबर से 7/8 दिया हो तो आपको इसका मान और इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा। सीधी बात यह है कि भाई जब हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा समकोण त्रिभुज। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि थीटा लिखा हुआ है, यहाँ भी थीटा लिखा है, पूरे क्वेश्चन में थीटा 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 लिखा हुआ है। तो थीटा क्या होता है, एक कोण की माप होती है, कोण की माप होती है, और वो कौन से कोण की माप होती है, न्यून कोण की माप होती है। तो इसका मतलब न्यून कोण एक ये है और एक ये है, तो किसी को भी आप थीटा बोल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थीटा बोल देता हूँ। त्रिभुज का नाम क्या रखा जाए, तो प्रश्न में कहीं पर भी नहीं बोला कि आपको ए बी सी या पी क्यू आर कुछ नाम रखना है, तो आपकी जो मर्जी है वो रख दो। तो मैं रख देता हूँ ए बी और ए सी। तो ए बी सी मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए वाला कोण क्या है, 90° का कोण है। अब आपको दिया क्या है, दिया है क्या, दिया हुआ है देखिए जरा, आपको दिया है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर से 7/8। कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 7/8। तो अनुपात है, ये भुजाओं का अनुपात है, और जब भुजाओं का अनुपात दिया जाता है तो आप क्या करो, इसको के मान लो, ऊपर नीचे किसी एक अचर राशि का गुणा कर दो। मुझे एक बात बताइए कि कॉट थीटा क्या होता है, सूत्र क्या होता है कॉट थीटा का। तो आपको मालूम होना चाहिए कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। हाँ बिल्कुल सही है। और थीटा और 90° के बीच की भुजा आधार होती है, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। ये फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे हम। तो क्या होगा, आधार बटे लंब यानी कि ए बी बटे लंब क्या है, बी सी, ए बी बटे बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का मान 7K, इसका मान क्या हो गया 7K, और बी सी का मान कितना हो गया 8K, इतना आ गया। हाँ ठीक है। अब आपको साइन कॉस टेन इनके मान ज्ञात करना है, साइन कॉस और कॉट के। तो मुझे एक बात बताइए, साइन में क्या आता है, लंब बटे कर्ण, कॉस में आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण का मान है, आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम। तो जब भी समकोण त्रिभुज की बात की जाती है तब आपको अगर दो भुजा दी जाए और तीसरी भुजा नहीं मालूम तो क्या किया जाता है, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कोण ए बी सी में, चलो ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी की बात करते पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब एसी का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर से क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यानी कि ए बी का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय मालूम होना चाहिए, धन बी सी का वर्ग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए सी का वर्ग, ए सी का मान मालूम है क्या आपको, नहीं मालूम। ए बी का मान मालूम है क्या, हाँ ए बी का मान मालूम है 7K, कितना हो जाएगा 7K का वर्ग, धन बी सी का मान कितना है 8K, तो 8K का वर्ग। तो ए सी का मान कितना है, ए सी का वर्ग बराबर से 7 का वर्ग कितना होता, तो आपको मालूम है कि 49, और K का वर्ग तो K का वर्ग ही हो जाएगा, और इसका 64 K का वर्ग, 8 ही 8 64 और K का वर्ग। अब देखिए दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, तो 9 और 4 13 के 3 हासिल आया, 1 4 और 10 और 1 कितना हो गया 13, और K का वर्ग, तो ये ए सी का वर्ग बराबर से इतना आ गया। तो मुझे एक बात बताइए कि ए सी का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे कि दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो,
तो एक एक तीन के का वर्ग, और आपको मालूम है कि भाई ये 113 का वर्गमूल नहीं होता है पूरा पूर्ण रूप संख्या में। 113 किसका वर्ग है? नहीं है, किसी का परफेक्ट वर्ग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो अंदर ही रहने देते 113, और के का वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। मतलब हमारे पास में कर्ण का मान आ गया वर्गमूल 113 के, इतना मान आ गया। अब तीनों भुजाएं पता चल गई ना हमें, हाँ तीनों भुजाएं पता चल गई। अब हमें इस प्रश्न में किसकी जरूरत है, साइन की जरूरत है, कास की जरूरत है कि नहीं जरूरत, साइन और कास की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अब साइन थीटा का मान कितना होगा ये बता दो। तो आप बोलेंगे कि साइन थीटा का मान जो होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण मतलब BC बटे AC। अच्छा BC का मान कितना है? 8K। और इसका मान कितना है? 8K। और इसका मान कितना है? वर्गमूल 113K। और K से K कैंसिल तो 8 बटे वर्गमूल 113 हो गया कि नहीं? हाँ बिल्कुल हो गया। मतलब साइन थीटा का मान आपको पता चल गया 8 बटे वर्गमूल 113। अब कास थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है, ये सारे सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। तो आधार कौन है? AB। और कर्ण कौन है? AC। तो आधार कितना हो जाएगा? 7K। और ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल 113K। तो 7 बटे वर्गमूल 113, इतना आ गया कास थीटा का मान। चलिए इतना काम हमें हो गया हमारा काम। अब आगे की बात करते हैं, अब हमें पहला प्रश्न हल करना है इसका। इसको ऊपर ले लेता हूँ, हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। ये पहला प्रश्न क्या है? फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा क्या हो जाएगा? a प्लस b a माइनस b। तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अरे मालूम है फार्मूला, देखिए मैं इधर लिख देता हूँ। जब भी आपके पास में a प्लस b और a माइनस b हो तो ये हो जाता a का वर्ग ऋण b का वर्ग। कहने का मतलब यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा लिखा है, और यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा लिखा है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, दोनों गुने में है। तो क्या हो जाता है? इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, और बीच में माइनस लगा दो, ऋण चिन्ह लगा दो। इसका मतलब ये हुआ कि एक का वर्ग ऋण साइन का वर्ग थीटा, और बटे एक का वर्ग ऋण कास का वर्ग थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? एक का वर्ग तो एक ही होगा ऋण साइन स्क्वायर, एक का वर्ग एक होगा ऋण कास स्क्वायर। अब इनके मान रख दो, 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है? 1 बटे वर्गमूल 113, 8 बटे वर्गमूल 113। तो इसका वर्ग लिखा है तो इसका भी वर्ग लगाएंगे हम। जस्ट ये मान उठा उठा के रखना हमें, बटे एक ऋण कास थीटा, तो कास थीटा का मान कितना है? 7/113 वर्गमूल 113 का वर्ग। अब आप देखेंगे कि 1 माइनस 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। और वर्गमूल 113 का वर्ग कितना हो गया? 113। वर्गमूल हट गया है ना, वर्ग के कारण वर्गमूल हट गया। नीचे एक ऋण 7 का वर्ग कितना हो गया? 49/113 का वर्ग, वर्गमूल से वर्गमूल क्या हो जाएगा? हट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। अब इसके भी बटे एक है, इसके भी बटे एक है, तो आप देखेंगे कि इसका लघुत्तम कितना आ गया? एक का और 113 का वर्गमूल लघुत्तम तो 113 आएगा। एक से भाग देंगे तो 113 बार 113 का इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 113 ऋण 64। और ऐसे ही यहाँ पर भी 113 और यहाँ पर कितना हो जाएगा?
113-49। अब और हमें जगह की जरूरत पड़ रही है तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ऐसे भी इसका काम हो चुका है ना, ये बातें तो हम समझ चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं हम। अब देखिए जरा, बराबरी का चिन्ह लगाया मैंने, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49/113, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 64/113, और बराबरी से। अब जब ये नीचे से हर से अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 49/113 × 113/64, और 113 से 113 कैंसिल, और आपके पास में आ जाएगा 49/64, और ये हो जाएगा हमारा उत्तर। मज़ेदार है कि नहीं क्वेश्चन, है ना, मज़ेदार था, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था। अब दूसरा भाग करते हैं हम, पहला भाग का तो आंसर आ गया, अब दूसरा भाग करते हैं हम। दूसरे भाग में क्या बोला, कॉट स्क्वेयर थीटा, कॉट स्क्वेयर थीटा। कॉट का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो आधार कोण है ए बी बटे लंब कोण है बी सी, और इसका वर्ग है इसलिए इसका भी वर्ग करेंगे हम, तो बराबर से क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वेयर थीटा बराबर से ए बी का मान है 7 के, और ये हो जाएगा 8 के, और पूरे का वर्ग, और ये के से के कैंसिल हो गया, तो कॉट स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वेयर थीटा बराबर से 7 का वर्ग 49, और 8 का वर्ग कितना हो गया 64, और ये हो गया उत्तर। और मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि दोनों का उत्तर एक जैसा ही आया है, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा, उनने तो मान ज्ञात करने के लिए बोला, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा कि एक जैसा आ रहा कि अलग अलग आ रहा है ना, तो हमने दोनों के मान ज्ञात कर लिए। अब इस प्रश्न को प्रॉपर तरीके से आप नोट करिए और एक बार और बना के देखना, आप खुद बना के देखना, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करना है तब विश्वास करना कि हाँ हमें पूरा समझ में आ गया, ठीक है ना, और बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा लिखना है आपको, पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं पर भी नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं है। तो अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, हमारे पास में प्रश्नावली 8.1 का 8वां क्वेश्चन है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि क्या इसके बराबर ये है। क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हल करना रहेगा हमें, इसका मान ज्ञात करेंगे, फिर इसको हल करना पड़ेगा, इसका मान ज्ञात करेंगे, दोनों के मान अगर बराबर है तो यह सत्यापित हो गया कि दोनों बराबर है, बस यही बात हमें करना है। लेकिन इसको हल करने का तरीका कैसा रहेगा, तो बड़ा सिंपल सा काम है, दिया है, क्या दिया है भाई, ढूंढ लो, आपको दिया हुआ है कि 3 cot θ यानी A = 4, आपको मालूम है ना कि ये 3 क्या है, इसके गुने में, और ये बराबरी का चिन्ह ये जब इधर जाएगा तो क्या होता है, तिरेक गुना होकर नीचे की ओर जाएगा, तो cot A बराबर से क्या हो जाएगा, cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3, इतना हो गया। जब हम त्रिकोणमिति हल कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा, तो समकोण त्रिभुज तो बना ही देते हम, ये लो समकोण त्रिभुज हमने बना दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि समकोण त्रिभुज तो बना दिया, इसके नाम क्या रखेंगे हम, तो नाम रखने के लिए आपको इससे मदद मिलेगी, cot क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जरूर है कि इसका जो न्यून कोण रहेगा वो क्या रहेगा, A रहेगा, इसका मतलब या तो इसका नाम ये रखो या तो इसका नाम ये रखो, दोनों में से किसी का भी रख सकते, मैं इसका रख देता हूँ, ये वाला तो 90 अंश का कोण है, आप इसका नाम ये रखा तो आपकी मर्जी है, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी, या इसका नाम बी और इसका नाम सी, जो भी रखना है उसके अपनी मर्जी से रख सकते हैं। चलिए ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि cot A जब ये न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, तो लंब होगी, और थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा क्या होती है, आधार होती है, और ये क्या होती है, कर्ण होती है। बड़ा सिंपल सा काम है जो त्रिकोणमिति अनुपात के साथ लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है तो ए के सामने की भुजा लंब होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो बाकी जो बची हुई आधार है, बस इतना। कैसा भी आपको जिस तरीके से याद रखना है, ठीक है ना, मैंने हर तरीके से इसको बता दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा ये बताओ कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, यानी कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप फटाक से बता दोगे कि आधार बटे लंब होता है, क्योंकि आपने ये याद किया हुआ है। क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी कि ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में दिया है तो हमें के का ऊपर नीचे गुना करना ही पड़ेगा, अनुपात है ना। तो अनुपात क्या होता है? किसी एक अचर राशि का उभयनिष्ठ आप गुणनफल करोगे तो उससे कोई फर्क इसमें पड़ता नहीं है। इसका मतलब ए बी का मान कितना हो गया? 4 के। ए बी का मान कितना हो गया? 4 के। और इसका मान कितना हो गया? 3 के। अब आपको जो मान ज्ञात करना है, टेन का मान ज्ञात करना है और यहां पर साइन का मान ज्ञात करना है। साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता कि नहीं? होता कि नहीं? साइन का मान जब भी निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण होगा। अब मुझे लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है और कर्ण नहीं मालूम। अब कर्ण नहीं मालूम तो हमें कर्ण को ज्ञात करना पड़ेगा, तब तो आगे बढ़ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं? आपको मालूम है कि कोई भी समकोण त्रिभुज, दुनिया का कोई भी समकोण त्रिभुज हो, अगर दो भुजाओं के मान मालूम है और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है तो क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय को याद करेंगे, क्या होगा? समकोण त्रिभुज, समकोण लिखने का तरीका, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। याद रखना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में जब लिखते हैं ना, तो ये जो 90 अंश का कोण है ना बी, ये बीच में आना चाहिए। आप सी बी ए भी लिख सकते हैं, ए सी बी नहीं लिख सकते। याद रखना समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ये कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश वाला बीच में आना चाहिए, ये नाम बीच में आना चाहिए, ये बात याद रखना। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको मालूम है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में, बी सी का वर्ग, ठीक है। ये हो गया। अब सारे मान रख दो जो जो मान आपको मालूम है, तो आप बोलेंगे कि ए सी का मान तो हमें ज्ञात करना है, ये तो मालूम ही नहीं है। ए बी का मान आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि 4 के है ये, तो 4 के का वर्ग, और बी सी का मान 3 के, तो ये 3 के का वर्ग हो गया। ये हो जाएगा 16 के का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और के का वर्ग हो गया, और 3 3 9 के स्क्वायर। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि 16 और 9 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 25, 25 के का वर्ग। तो ये हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर से इतना। कई बच्चे यहाँ पर जब प्लस करते हैं तो 25 9 और 16 25 कर दिया और के की घात 4 करते, भाई होगा क्या ऐसा? नहीं, देखिए ना, 16 के का स्क्वायर प्लस 9 के का स्क्वायर। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा है ना, एक जैसा है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपसे मैंने बोला कि ये जो है ना, ये वाला लिखा है, ये यहाँ पर जो लिखा है ये तो एक जैसा है ना। मान लिया जाए कि ये क्या है, एक आम है, और ये भी क्या है, आम है। 16 आम और 9 आम क्या हो, कितने आम हो गए? 25 आम हो गए ना। या 16 संतरे और 9 संतरे कितने हो गए? 25 संतरे। मतलब कहने का मतलब यहाँ और यहाँ एक जैसा लिखा है ना, तो एक जैसी वस्तु है आपके पास। 16 वस्तु ये और 9 वस्तु ये कितने हो गए? 25 वस्तु ये हो गए। तो कितना आसान काम है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर या ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25 के का वर्ग। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर प्लस माइनस लगता है, हम माइनस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करना है और भुजा की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ए सी का मान हो जाएगा, आपको मालूम है कि 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, और के का वर्ग से वर्गमूल हट गया तो के बच गया। अब हमें कर्ण का भी मान पता चल गया 5 के। अब तीनों भुजाओं के मान पता चल गए तो त्रिकोणमिति में बात याद रखना
कि जब भी आपको समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी है, तीसरी भुजा नहीं मालूम, तो हमेशा हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा को ज्ञात करते हैं। आपको कहीं पर भी प्रश्न में ये नहीं बोला कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना, बोला है क्या? नहीं बोला, फिर भी हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें तीसरी भुजा की जरूरत है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते, हम AC का मान हमें यहाँ पर पता चल गया। अब क्या करना है, हमें सत्यापित करना है, जांच करना है। मतलब पहले क्या करते, बाया पक्ष ले लेता हूँ मैं, और बाया पक्ष क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a। मुझे एक बात बताइए कि 1 माइनस टेन a का मान कितना होता है? तो आप फटाक से फार्मूला बता दोगे कि अच्छा सर, टेन ए बराबर से लंब बटे आधार होता है। ये याद होना चाहिए अच्छे से, जब तक याद नहीं रहेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो लंब बटे आधार होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3k/4k और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3k/4k होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो बराबरी से क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि k से k कैंसिल और यहाँ पर भी k से k कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक। अब आप बताइए कि इसका लघुत्तम कितना होगा, 1 और 16 का, तो 16 हो जाएगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 16, और 16 ऋण 9, और ऐसे लघुत्तम यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 16 ऋण 9। ये हर से हर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 7/25। कितना बचा, 7/25 बच गया हमारे पास। अब इसको मैं समीकरण एक दे देता हूँ और हमारे पास में इसका मान आ गया 7/25। अब इसका मान ज्ञात करेंगे, और इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, RHS लेंगे, राइट हैंड साइड यानी कि दाया पक्ष, और दाया पक्ष क्या है, cos² a माइनस sin² a। मैं आपसे पूछूंगा कि cos a का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा आसान काम है सर, आधार बटे कर्ण होता है ना, सूत्र होता है इसका, तो 4k/5k और पूरे का वर्ग है, इसलिए वर्ग क्यों लगाया, क्योंकि cos का वर्ग है इसलिए। और साइन ए का मान पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि लंब बटे कर्ण, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लंब बटे कर्ण यानी कि 3k/5k और इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आप देखेंगे कि k से k कैंसिल और यहाँ पर भी k से k कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में आएगा क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 और दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 25 आ जाएगा और 16 ऋण 9, तो ये हो जाएगा 7/25 और ये बन गया समीकरण 2। आपने बाया पक्ष लिया 7/25 आया, दाया पक्ष लिया 7/25 आया, दोनों का मान बराबर, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से यह सत्यापित होता है कि दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है। बस इतना सा काम था, ठीक है ना, तो कहीं पर कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 9 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए
प्रश्न की शुरुआत ही समकोण त्रिभुज से की है, तो मैं पहला काम तो समकोण त्रिभुज बना ही देता हूँ। ये लो बना दिया समकोण त्रिभुज। अब आपसे बोला कि बी कोण समकोण है, अच्छा तो ये 90 अंश का कोण दिखाई दे रहा है, इसका नाम बी देना जरूरी है। चलिए ठीक है। अब आप त्रिकोणमिति अनुपात के साथ देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ ए सी ए सी ए सी ए और सी लिखा हुआ है। इसका मतलब न्यून कोण क्या होगा, ए और सी होगा। इसका मतलब इसका नाम ए रहेगा, ये पक्का है, और इसका नाम सी रहेगा, ये पक्का है, क्योंकि दोनों ही तो न्यून कोण है, दोनों तो 90 अंश से कम है। चलिए ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम यहां पर बोल सकते हैं कि दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, टेन ए बराबर इसे एक बटे वर्गमूल तीन, इतना दिया हुआ है। मुझे एक बात बताइए कि वर्ग जब यहां पर अनुपात के रूप में दिया तो दोनों पक्षों में मैं ऊपर नीचे अंश और हर में क्या कर देता हूं, के का गुणा कर देता हूं, क्योंकि यह अनुपात है। और मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पर क्या ये है, तो हम ये न्यून कोण बनाएंगे, ये क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। अब आपके मन में एक बात आएगी, यहां पर क्या आएगी बात, कि सर यहां पर तो साइन के साथ सी भी लिखा है, तो आपने सी के सामने वाले को लंब क्यों नहीं बोला, सी के सामने वाले को लंब क्यों नहीं बोला। जो आपको दिया है ना अभी, इसके आधार पर पहले बात करेंगे, फिर जो ज्ञात करना है वो बाद में देखेंगे। तो आपको जो पहले सबसे प्रारंभ में जो काम करना है वो किसके आधार पर करना है, जो दिया है वो इसके बेस पर हम काम करेंगे। तो ये दिया है तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। आपको मालूम है टेन ए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो लंब कौन है, बी सी, और आधार कौन है, ए बी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी जगह की, ठीक है। तो क्योंकि दो दो पार्ट हमें हल करना है यहाँ पर। बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान हमारे पास आ गया के, बी सी का मान आ गया के, और इसका मान आ गया वर्गमूल तीन के। चलो दो भुजाओं के मान तो हमें पता चल गए, लेकिन तीसरी भुजा का मान अभी तक भी हमें नहीं मालूम। इसका मतलब क्या होगा, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि ए सी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। ए सी का मान कितना है तो नहीं मालूम, ठीक है नहीं मालूम, तो जैसे कि वैसे लिख देते हम, यही तो ज्ञात करना है। ए बी का मान कितना है पूछूंगा मैं आपसे, तो आप बोलोगे कि वर्गमूल तीन के है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। बी सी का मान क्या है, के है, तो के का वर्ग हो जाएगा। वर्गमूल तीन का वर्ग है तो वर्गमूल हट जाएगा, तो तीन हो जाएगा, और के का वर्ग धन के का वर्ग। अब आप देखिए ना, तीन के का वर्ग और एक के का वर्ग कितना हो जाएगा, चार के का वर्ग हो जाएगा, चार के का वर्ग, और ए सी का वर्ग बराबर से। तो क्या ए सी का मान मतलब यानी कि दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लूँ मैं, हाँ ले लेता हूँ मैं, तो इधर भी वर्गमूल लग जाएगा चार के का वर्ग, और ए सी का मान आ जाएगा हमारे पास में, चार का वर्गमूल दो होता है और के का वर्ग के होता है। वैसे जब वर्गमूल लेते हैं तो इसको धनात्मक ऋणात्मक लिखा जाता है, चूंकि हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करना है इसलिए हम ऋणात्मक संख्या को हटा देंगे। तो आपको अभी ये पता चल गया कि इसका मान दो के है, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको जरूरत किसकी है, आपको आवश्यकता किसकी है, साइन ए की जरूरत है,
कास ए की जरूरत है, यहाँ पर भी कास ए की जरूरत है और साइन साइन ए की जरूरत है। कुल मिला के दोनों भाग को हल करने के लिए आपको साइन ए और कास ए की जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, साइन ए, अब साइन ए का मान कितना हो जाएगा बताइए। तो साइन ए हो जाता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है के, और कर्ण का मान कितना है दो के, और के से के कैंसिल तो कितना आ गया एक बटे दो। बिल्कुल सही बात है। कास ए का मान निकालता हूं मैं, कास ए, कास ए का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। अच्छा आधार कितना है वर्गमूल तीन के, और कर्ण कितना है दो के, और के से के कैंसिल तो वर्गमूल तीन बटे दो। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। तथा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे और आप देखेंगे। तथा ये ए वाले तो सारे मान निकल गए, अब सी वाले मान देखते हैं। कास सी साइन सी, कास सी साइन सी, मतलब साइन सी और कास सी का भी मान आपको ज्ञात करना है। तो साइन सी बराबर से कितना होगा, बहुत मज़ेदार काम है ये। साइन सी त्रिकोणमिति के साथ क्या लिखा है, सी, सी कहाँ पर है यहाँ पर, इसका मतलब ए न्यून कोण होगा। सी के लिए ए न्यून कोण होगा, इसके सापेक्ष करेंगे ए के लिए ए न्यून कोण होगा। जब ये न्यून कोण होगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। और कर्ण फिक्स होता है, कर्ण में कभी चेंज नहीं आता है। तो साइन सी का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब वर्गमूल तीन के बटे दो के, तो ये हो जाएगा कैसे के कैंसिल तो वर्गमूल तीन बटे दो। तथा कास सी बराबरी से, कास सी का मान क्या होता है, कास का मान आधार बटे कर्ण, और आधार कौन है, आधार कौन है के, और कर्ण कौन है दो के, कैसे के कैंसिल तो कितना हो जाएगा एक बटे दो हो जाएगा। बस हो गया काम। तो यहाँ पर जिसकी जरूरत थी मुझे, मैंने सारे मान निकाल दिए। अब यहाँ से हम पहला भाग यहाँ करना चालू कर देते, पहला भाग साइन ए कास सी प्लस कास ए, ठीक है। अब देखिए सारे तो मान मैंने निकाल के रख दिए यहाँ पर, साइन ए का मान कितना है तो ढूंढ लो, एक बटे दो दिया हुआ एक बटे दो, और कास सी का मान कितना दिया है, कास सी का मान भी एक बटे दो है, चलो ठीक है धन। कास ए का मान कितना है तो कास ए का मान वर्गमूल तीन बटे दो है, हाँ ठीक है। और साइन सी का मान कितना है, साइन सी का भी मान वर्गमूल तीन बटे दो है। क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन गुना और नीचे का नीचे, वर्गमूल तीन का वर्गमूल तीन से गुना करेंगे तो जब दो समान संख्याओं का गुना किया जाता है दोनों पर वर्गमूल लगाया जाता है तो वर्गमूल गायब हो जाता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, वर्गमूल तीन की घात दो और वर्ग से वर्गमूल खत्म, तो क्या हो जाएगा तीन बटे चार। और इनको दोनों को हल किया जाए तो लघुत्तम आ जाएगा चार, तो एक धन तीन, तो ये हो जाएगा चार बटे चार, और चार बटे चार का मतलब चार से चार एक कैंसिल तो कितना बचेगा वन बचेगा, ठीक है। मतलब पहले भाग का हमने यहां पर हल ज्ञात कर लिया। अब दूसरा भाग देखते हैं हम, कास ए कास सी, कास ए कास सी, कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। चलो सारे मान रखो, कास ए का मान कितना है, कास ए कास ए कास ए का मान वर्गमूल तीन बटे दो गुणित कास सी का मान कितना है एक बटे दो ऋण साइन ए का मान कितना है एक बटे दो, और साइन सी का मान कितना है वर्गमूल तीन बटे दो,
और आप देखेंगे कि ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 3/4 ऋण वर्गमूल 3/4, और ये दोनों संख्या एक जैसी है तो इससे कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कितना आसान काम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको सारे सूत्रों को याद करने की ज़रूरत है, और ये अगर करते हैं तो बड़े आसानी से हम बना सकते हैं, बिल्कुल सिस्टेमेटिक ऐसा का ऐसा बनाना आपको क्वेश्चन, और जो उत्तर आते हैं उसको आप हाईलाइट भी कर दिया करो, ये दूसरे का उत्तर इतना आ गया 0 और पहले का आंसर कितना आ गया 1 आ गया, तो हमने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया। आप नोट कर लीजिए इसको पूरा और इसकी एक बार प्रैक्टिस करिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न।